दिनों प्रयागराज की एक तस्वीर सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। पूरा देश इस तस्वीर को देखकर चौंक गया और बार बार सरकार के खिलाफ लोग सवाल उठाने लगे। दरअसल इस तस्वीर में देखा गया कि किस तरीके से हजारों की संख्या में जो शव है उसे दफनाया गया था, लाल चुनरी में जो भगवा कलर होता है उस गमछे से लपेटे हुए शव की तस्वीर सामने आने के बाद लगातार सरकार जो है वह निशाने पर आ गई। और ऐसे में अब तमाम शवों से, तमाम जो दफन हुए थे शव, उन शवों से वह लाल चुनरी हटाया जाने लगा, जिसके बाद अब इस पर भी राजनीति तेज है। लालू प्रसाद यादव ने इसको लेकर जोरदार प्रहार किया है, सरकार को घेरा है, एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल गंगा घाटों पर दफन शवों के ऊपर से हटा दी गई लाल पीली चुनरी, इस खबर को उन्होंने शेयर किया और उसके बाद लिखा, एक बात तो अस्पष्ट है, इनका बुद्धि भ्रष्ट है, धर्म का दिखावा महज एक ढोंग है। तो लालू प्रसाद यादव लगातार इन दिनों तमाम मामलों को लेकर सरकार को घेर रहे हैं और इस वक्त जैसे कि यह तस्वीर जो लगातार पूरे देशवासियों को चौंका रही है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी इस तस्वीर की चर्चा हो रही है कि प्रयागराज समेत भारत के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी तस्वीर सामने आई जहां पर लाशों का दफन किया जा रहा है और वह रेत में ही दफना दिया जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली तस्वीर प्रयागराज की थी। उस तस्वीर के सामने आने के बाद से ही लगातार तमाम लोग मोदी सरकार और योगी सरकार को घेरने में लगे हुए हैं और ऐसे में जब खूब इस मामले को लेकर सरकार पर प्रहार होने लगे तो उसके बाद अब उन तमाम लाशों से जो चुनरी थी उसे हटाने का प्रयास किया गया। वह तस्वीर जब सामने आई तो अब लालू प्रसाद यादव ने इस मामले को लेकर सीधे तौर पर सरकार पर प्रहार किया है, सरकार को ढोंगी कह दिया है, भ्रष्ट कह दिया है। मोदी सरकार पर लगातार गुस्से में है लालू प्रसाद यादव और ऐसे में वो बार बार ट्वीट के माध्यम से सरकार को घेर रहे हैं, केंद्र सरकार को घेर रहे हैं और बिहार सरकार को भी लगातार घेरते हुए दिख रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ नए अपडेट्स आते हैं, तमाम अपडेट्स के लिए बटन हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।